नीतीश कुमार का मिशन 2024। दिल्ली दौरे से सधेगा निशाना। अखिलेश से मुलाकात के क्या है मायने। क्या नीतीश लिखेंगे नई इबारत। क्या विपक्ष हो पाएगा एकजुट। नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में कई नेताओं से अब तक नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है। नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं के साथ कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करना मकसद है। शरद पवार से आज उनकी मुलाकात होने वाली है। विपक्ष के कई नेताओं से नीतीश कुमार पहले ही मिल चुके हैं। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पिछले दिनों बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा बिहार में और आरजेडी के साथ फिर आकर महागठबंधन की सरकार बनाई और उसी बात और तभी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि मिशन 2024 यही उनका लक्ष्य है। अब तक कितने विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये मुलाकात क्यों हो रही है। मुलाकात हो रही है विपक्ष को एकजुट करना मकसद है और मिशन है 2024, टारगेट है 2024 का लोकसभा चुनाव, ताकि बीजेपी को टक्कर देने के लिए सारे विपक्षी दलों को नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर ला पाए। लेफ्ट नेताओं से मुलाकात के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी कोशिश विपक्षी दलों की एकजुटता की है। पीएम पद के सवाल पर नीतीश ने कहा कि पीएम पद पर यह पीएम का जो पद है यह उनका लक्ष्य नहीं है। देखिए हम नहीं आप ये पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब हम नहीं नहीं हम तो सब लोगों को एक जुट करने में चाहिए। पहला जब हम आते थे दिल्ली तो यहाँ भी आते थे और यहाँ इनके ऑफिस में जाके बैठते थे। ये सब मेरा पुराना संबंध है। आज तो हम लोग फिर एक साथ हो गए हैं। अब हम लोगों की है आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में कांग्रेस सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए। विपक्ष के कितने नेताओं से अब तक नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है ये तस्वीर बता रही है, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, एचडी कुमार स्वामी भी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, सीताराम येचुरी हैं, डी राजा हैं, ओम प्रकाश चौटाला, अखिलेश यादव, शरद यादव, आज शरद पवार से भी मुलाकात होनी है। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इसलिए ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट किया जा सके। आज देश के अंदर देश की जनता की पुकार है, आम आवाम की पुकार है कि ये बिहार नेतृत्व करेगा, इस बार परिवर्तन होगा बिहार के नेतृत्व में। रही सवाल विपक्ष का, जहां जहां लोग है क्योंकि जनता की आवाज है तो विपक्ष जनता की आवाज के नेतृत्व में चलेगा। इसलिए आज देश के कई जगह से खबरें आ रही हैं कि कई प्रदेश से ये खबरें जो वहाँ के विपक्ष के नेता लोग हैं मिलना चाहते हैं या मिल रहे हैं। हम सब लोग पहले एक जगह होंगे, एक जगह होने के बाद फिर आपको मैसेज मिल जाएगा क्या करना है। बारिश कम हुई है, खुद जो हमारा नालंदा जिला है, आसपास इतने जिले हैं जितना हमारा पूरा पूरा दक्षिण बिहार के जिले हैं, क्या स्थिति है जी। तो आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं, किस बात के लिए। तो साहब विपक्षी एकता। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।